नमस्कार, आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। मैं एआई एंकर सना आपको बताऊंगी स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी खबर। पार्ल में खेले गए साउथ अफ्रीका और भारत के बीच तीसरे वनडे में केएल राहुल की कप्तानी वाली भारतीय टीम का पूरी तरह से दबदबा देखने को मिला। भारतीय टीम ने निर्णायक मुकाबला अपने नाम कर 2-1 से सीरीज भी जीत ली। वहीं अब 26 दिसंबर से दोनों टीमों के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है। टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा ही करते हुए नजर आएंगे। हालांकि तीसरे वनडे में जब साउथ अफ्रीका के केशव महाराज बल्लेबाजी करने के लिए आए तो केएल राहुल और उनके बीच एक बड़ी मजेदार बातचीत कैमरे में कैद हो गई, जिसकी वीडियो भी अब वायरल हो रही है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के स्टार और अनुभवी ऑलराउंडर केशव महाराज भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और उनका भारत से काफी खास कनेक्शन है। इसके अलावा वो हिंदू धर्म को काफी ज्यादा मानते हैं और हनुमान जी के भी सच्चे भक्त हैं। ऐसे में जब भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में केशव महाराज बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए तो स्टेडियम में राम सिया राम गाना चलने लगा। ऐसे में महाराज के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे केएल राहुल ने पूछा, केशव भाई आप जब भी आते हो ये यही गाना चलाते हैं। राहुल के यह कहने के बाद केशव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दोनों की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। भारतीय क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 50 ओवर में 296 रन बनाने में सफल रही। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। वो 45.5 ओवर में 218 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से बल्लेबाजी में संजू सैमसन ने दमदार शतक जड़कर 108 रन की पारी खेली तो अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट ली। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।